नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और विधायक दीपिका पांडे ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्योति रौतेला ने कहा, पिछले 17 महीनों में उत्तराखंड की बेटियों पर दुर्व्यवहार के कई केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन इस बार वो प्रदेश के जो महिलाएं हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, उनकी मन की बात सुने। उनको उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश जिस उत्तराखंड में वो बार बार आके दौरे करते हैं, उस प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रदेश में पिछले 17 महीने में 1196 बलात्कार के रजिस्टर्ड केस है छोटी सी देवभूमि में। तो इसको अब प्रधानमंत्री मोदी को सुनना पड़ेगा। अपने मन की बात उन्होंने बहुत सुनाई, लेकिन कल महिलाएं उनको अपनी मन की बात सुनाने जा रही हैं।